अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज अदील, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों, हमने एक नया पेज बनाया है अदील एक्स्ट्रा के नेम से। तो अगर आप लोग देख रहे हैं, आपने फॉलो नहीं किया है, तो ये मेरा सेकंड पेज है, इसको आप फॉलो कर लें। काफ़ी मैसेजेस होते हैं रिलेटेड टू और पास्ट के। अदील भाई, आप पहले बहुत मज़ेदार वीडियो बनाते थे क्रिकेट की, उस पर रिव्यू देते थे क्रिकेट मैचेस के, प्लेयर्स के बारे में बहुत मज़ेदार बातें करते थे। अब वो वीडियो क्यों नहीं आती है? तो भाई, ड्यू टू सम रीजंस हम काफ़ी मसरूफ थे अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन आप फाइनली आप लोगों के लिए टाइम निकाल लिया है। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो, आमिर के फ़ैन हो, तो वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो का जो शेयर टारगेट हमारा है वो है 100 शेयर्स। तो अगर आमिर के फ़ैन हो, पीसीटी के सच्चे फ़ैन हो, तो तुम्हें ये वीडियो शेयर करनी है। टारगेट है 100 शेयर्स। सो गाइस, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मोहम्मद आमिर। आज हम उस पर बात करने वाले हैं मोहम्मद आमिर के बारे में। यार, यकीन करें, अगर बात करते करते ना कभी कभार गूज बम्स आ जाते हैं कि अल्लाह पाक ने क्या किस्मत लिखी है उसकी। एक वक्त था 2009-10 में, उससे बड़ा कोई स्टार नहीं था। लोग बोलते थे कि नेक्स्ट वसीम अकरम है, एंड उस जैसा बॉलर नहीं था। बड़े बड़े बॉलर, बड़े बड़े बैट्समैन उसकी तारीफें करते थे, एंड आमिर उस वक्त हवा में था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जवानी की गलती की वजह से कि वो आसमान से गिर के डायरेक्ट ज़मीन पे आता है, एंड फिर कोई सपोर्ट नहीं करता उसको। 5 साल के लिए डोमेस्टिक में भी उसको कहीं चांस नहीं मिलता है, कहीं भी उसको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है। एंड 5 साल के बाद जब वो आता है, एशिया कप में धूम मचा देता है। लोग अभी भी देख के हैरान थे कि 5 साल आने के बाद भी 145+ कर सकता है। इंडिया को तो उसने तकरीबन सारे बेड मेन बैट्समैन को साइड पर लगा दिए थे एशिया कप वाले स्पेल में, जिसमें से रोहित शर्मा, रहाणे और रायना, एंड विराट कोहली वाला भी एलबी था। बहुत से लोग बोलते हैं कॉन्ट्रोवर्सियल था, लेकिन विराट कोहली वहाँ से मैच लेके था। 83 रन का टारगेट उसने 183 का कर दिया था। तो ये है मोहम्मद आमिर। उसके बाद अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, कौन नहीं भूल सकता है। 350 रन मारे पाकिस्तान ने, 337 रन मारे थे, एंड सब सोच रहे थे कि यार जब पाकिस्तान मार सकता है तो इंडिया तो 2-3 ही आउट पे ये चेस कर जाएगा। विराट कोहली हॉट फॉर्म में था, रोहित शर्मा हॉट फॉर्म में था, शिखर धवन बहुत हॉट फॉर्म में था, लेकिन फिर आता है एक तूफान आमिर का जो इन तीनों को उड़ा के ले जाता है। एंड पावर प्ले के अंदर ही आमिर इन तीन बड़ी मछलियों का शिकार करके पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी हाथ में दे देता है। और बाकी बॉलर्स भी मेहनत करके, हसन अली, जुनीद खान, ये सब मेहनत करके पाकिस्तान को एक चैंपियंस ट्रॉफी जितवाते, जो कि सरफराज अहमद की कप्तानी में हासिल होती है पाकिस्तान को। एंड बहुत मेमोरीज हैं आमिर के हवाले से। लोग बोलते कि फिक्सर है, बैट है, ये है, चौड़ा है, बहुत मसले, एटीट्यूड मसले। आमिर ना एक ऐसा प्लेयर है जो कि ट्रॉफी कैबिनेट बनाने में ना आपकी बड़ी मदद करेगा। आप लोग सोचते हैं कि ट्रॉफी कैबिनेट क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बाबर इज़ अ गुड कैप्टन। अब मैं नहीं बोलूँगा बहुत एक्सलेंट कैप्टन है, इज़ अ गुड कैप्टन। लेकिन अगर आप पीछे देखोगे ना ट्रॉफी, कि यार मेरे कैबिनेट में तो ट्रॉफी है ही नहीं, विनर ट्रॉफी बोल रहा हूँ मैं, जैसे चैंपियंस वाली ट्रॉफी। वरना तो बाबर की काफ़ी अचीवमेंट है, लेकिन पीछे कैबिनेट पे ट्रॉफी नहीं है। और आमिर ऐसा बॉलर है जो बाबर आजम की ये विश पूरी करके चैंपियन की ट्रॉफी भी पीछे रख सकता है। तो भाई, इस वक्त पीसीबी ने बहुत ही तगड़ा मूव खेला है, शाहीन के साथ, नसीम के साथ पेयर बना के आमिर को वापस लेकर आए। ऑल क्रेडिट गोज टू शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद आफरीदी एंड नकवी साहब, इन तीनों ने बहुत एफर्ट मारी आमिर को वापस लाने में। एंड अगर मुझसे कोई किरदार पीछे रह गया है तो बहुत बहुत माजरत। एंड बाबर आजम को एक बहुत ही मज़ेदार टीम मिली है इस बार लीड करने के लिए। मेरे नज़र में दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आई हैड एवर सीन ऑन माई एंटायर लाइफ। एक वक्त था जब शोएब अख्तर वगैरह और आसिफ वगैरह का स्पेल देखने को मिलता था, अब वो वक्त है कि शाहीन, नसीम और आमिर का स्पेल आप लोगों को देखना मिलेगा। तो ये जनरेशन के हिसाब से आप काफ़ी लकी कि हमें ये वर्ल्ड क्लास बॉलर एक ही साथ एक टीम में दिखने। हमारे पास जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम है ना, वो एक ड्रीम टीम है। हमारे पास ओपनर बहुत तगड़े हैं, हमारे पास टॉप ऑर्डर तगड़ा है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर काफ़ी लेंदी है, काफ़ी लंबा खेल सकता है। लोअर ऑर्डर में भी इमाद वसीम एंड शादाब खेलते हैं। एंड साथ साथ बात की जाए बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स की, जिसमें आमिर है, जिसमें शाहीन है, जिसमें नसीम है, ये मेरे हिसाब से कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड से ज़्यादा ऊपर रेट करता हूँ मैं, क्योंकि ये वो हैं कि जो एशियन विकटों पे भी काम करेंगे। ये सिर्फ वो नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में हिला के रखे लोगों को, ये वो हैं ये जो किसी भी विकेट पे किसी भी टीम को उड़ा सकते हैं। T20 है, जैसे वर्ल्ड कप करीब है, तो इनका बस चले तो ये आधी से ज़्यादा टीम 6 ओवर में निपटा सकते हैं, अगर इनका बस चले और पिचिंग को सपोर्ट करें। तो गाइस, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वर्ल्ड कप में, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ का। एंड मैं इंतज़ार में हूँ कि कल जल्दी से 7:30 बजे आमिर के साथ हमें शाहीन और नसीम का पेयर दिखे, एंड फिर हमें पता चले कि कैसी इनकी बॉलिंग है। वैसे देखा जाए तो न्यूजीलैंड इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, इतना तगड़ा स्क्वाड नहीं भेजा उन्होंने, लेकिन वर्ल्ड कप में काफ़ी मज़ा आने वाला है। वर्ल्ड कप में कॉम्पिटिटिव टीम होंगी, टॉप प्लेयर्स होंगे, तो हमारे भी इस बार हम ऐसा टैग लेके जा रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजरें होंगी कि नहीं यार, पाकिस्तान का इस बार जो टैग है बहुत बॉम्ब है। सो गाइस, उम्मीद है
कि वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आमिर के डाई हार्ट फैन है, पीसीटी के डाई हार्ट फैन है, तो वीडियो शेयर करें। 100 शेयर्स का हमने टारगेट रखा है। एंड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट किस प्लेयर पे हमें बात करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।